रतलाम में कल बोनस को लेकर यूनियन के द्वारा सभी रेलवे स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। जानकारी के अनुसार रेलवे के तमाम स्टेशनों पर जमकर नारेबाजी भी की गई, अलग अलग तरीकों से अपना अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी को लेकर आज केंद्र सरकार द्वारा बोनस देखने की घोषणा की गई, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों में हर्ष देखा जा रहा है। इसी और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के अधिकारियों से चर्चा करते हुए बताया कि तमाम रेलवे स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद उन्होंने बोनस की मंजूरी स्वीकार कर दी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया, साथ ही अंत में उन्होंने सभी कर्मचारियों वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन समस्त कर्मचारियों ने वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन आभार व्यक्त किया। संवाददाता हरीश व्यास की रिपोर्ट। बोनस को लेकर जिसे केंद्र सरकार ने पारित कर दिया, किस तरीके में आपने हर्ष किया? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के महामंत्री जी के आह्वान पर जो 20 तारीख को एक डायरेक्ट अटैक का एक जो इंटीमेशन भारत सरकार को दी थी, पूरा भारतीय रेलवे में हर स्टेशन पर हर वर्कशॉप में एक विरोध किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। ये प्रदर्शन को देख के भारत सरकार थोड़ी हरकत में आई है और ये प्रसन्नता की बात है कि कैबिनेट ने बोनस की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ ये बोनस की मंजूरी ही एक अकेला इशू नहीं है, इससे जुड़े हुए 3-4 जो इशू हैं, इन पे लड़ाई हमारी बाकी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। नाइट ड्यूटी अलाउंस, जैसा कि मैंने कल भी लोगों को सबको बताया, चर्चा की कि 43,600 रुपये से ऊपर रेल कर्मचारियों को रात्रि भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये भारत सरकार ने आदेश कर दिए हैं। साथ साथ में 2017 से रिकवरी की बात की है, तो ये हमारा एक प्राइम मुद्दा रहेगा, ये ऑर्डर रिव्यू हो। महामंत्री जी ने बोला है कि ये जो बाकी इशू हैं उन पर हमारा लाइन ऑफ एक्शन जैसा होगा वो बताएंगे और फिर ये लड़ाई को हम उस तरह से लड़ेंगे। अगर इन मुद्दों पर अगर कोई चर्चा नहीं होती तो उसके बाद में अगर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन आगे भी करेंगे? हमेशा जिन मुद्दों पे हमारी सहमति नहीं बनती है और हम उनको सकारात्मक रूप से हम चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद नहीं विरोध प्रदर्शन करते हैं और एक सामूहिक रूप से भारतीय रेलवे में फिर एक विरोध की लहर आएगी। अभी जो बोनस पारित हुआ उसकी कर्मचारियों को सूचना दी गई, तो उसका किस तरह का हर्ष व्यक्त किया? लोगों को बट नेचुरल है कि लोगों को बहुत अच्छा लगा है, लोगों ने अपनी एक उम्मीद छोड़ दी थी कि ये भारत सरकार जो है ये बोनस देने के मूड में नहीं है, ये बोनस नहीं देगी, तो लोगों को बट नेचुरल बहुत अच्छा लगा है कि ये बोनस उनका अधिकार था और वो अधिकार उनको मिला है, ये उन कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है। इसमें आप किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं आभार उन सभी कर्मचारियों को देना चाहूँगा जिन कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन को सफल बनाया है, लोगों ने छुट्टी लेके हर स्टेशन पर लोगों ने काम किया है और मजदूर संघ और NFIR के साथ में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया। जी, आपका नाम क्या है? बीके गर्ग, मंडल मंत्री रतलाम। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन